रीसेंट डेज में हमने बहुत सारे बफे रेस्टोरेंट्स आपके लिए कवर करे जहाँ पर अनलिमिटेड फूड मिल जाता है, और वो सारी वीडियोस डालकर हमें रियलाइज़ हुआ कि आप सबको बफेज वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और बफे रेस्टोरेंट इन दिल्ली, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है, बहुत ही न्यू है, और हमें लगा हमें जाकर डेफिनेटली आपके लिए कवर करना चाहिए और आपको यहाँ का ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए अलॉन्ग विद फूड रिव्यू, एम्बियंस, एवरीथिंग। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। सैंडोज के बारे में तो आप सबने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि अब ये काफी ज्यादा बड़ी चेन बन चुकी है, इनकी काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, इनफैक्ट अब तो बफे रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, जहां पर आज हम आपको लेकर आए हैं। इस बफे रेस्टोरेंट का नाम है सैंडोज बारबेक्यू, और ये आपको मिल जाता है जनकपुरी ईस्ट में। ये पूरी बिल्डिंग सैंडोज की है, यहाँ पर आपको एक बफे रेस्टोरेंट मिलता है और बाकी सारे फ्लोर्स पे बैंक्वेट हॉल्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई पार्टी थ्रो करना चाहते हो, कोई फैमिली गेट टुगेदर प्लान कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बैंक्वेट हॉल भी बुक करा सकते हो। चलो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बफे रेस्टोरेंट और उसका एम्बियंस। काफी बड़ा है ये रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारी ग्रुप सीटिंग्स हैं, सोफा सीटिंग्स हैं, इनफैक्ट यहाँ पर तो किसी की नेमिंग सेरेमनी भी चल रही थी, तो डेकोर एंड ऑल भी हुआ हुआ था। लाइव स्टेज है जहाँ पर परफॉर्मेंसेज होती हैं, लाइव बैंड वगैरह होते हैं, इनके फ्राइडेज को होते हैं डिनर टाइम पे, और बहुत सारे लाइव काउंटर्स हैं, बफे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले फूड में हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर स्टार्टर्स ऑन टेबल सर्व होते हैं, जो कि नॉर्मली बफे रेस्टोरेंट्स में ही होते हैं, मतलब ऐसे ही होता है जनरली। तो यहाँ पर तीन स्टार्टर्स हमें बारबेक्यू में लगा कर दिए गए थे, पनीर टिक्का, सोया चाप एंड पाइनएप्पल। अनफॉर्चुनेटली उस दिन यहाँ पर मशरूम्स नहीं थे, क्योंकि मशरूम्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी टेस्ट की बात करी जाए तो पनीर टिक्का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रोस्टेड था, चाप वॉज ऑल्सो गुड, बट चाप ना मैदे की थी, मतलब नॉर्मली जैसे सोया चाप होती है वो नहीं थी, इन्होंने मैदे की चाप बनाई हुई थी, तो वो मेरे को इतनी खास नहीं लगी। पाइनएप्पल काफ़ी ज़्यादा जूसी था। इसके अलावा टेबल पे ही सर्व होते हैं हनी चिली पोटैटो, वो मेरे को थोड़े अच्छे लगे। क्रिस्पी कॉर्न्स भी टेबल पे ही सर्व हुए थे, बट क्रिस्पी कॉर्न्स का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब नॉर्मल जो सैंडोज रेस्टोरेंट वगैरह है ना, उसका जो अगर आप क्रिस्पी कॉर्न्स खाते हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्वालिटी क्यों डिग्रेड कर दी है, आई डोंट नो, बहुत ही गंदा टेस्ट था इसका, मतलब बहुत हार्ड थे यार, मतलब चबाए ही नहीं जा रहे थे, इतना गंदा टेस्ट था इसका। सालसा पोटैटो भी टेबल पर सर्व हुए थे, इसका टेस्ट बस ओके, मतलब आलू चाट पे ऐसा लग रहा था सालसा के सॉस डाल दिए, बट आई थिंक ऑन टेबल वाले जो इनके बारबेक्यू स्नैक्स हैं सिर्फ वही ठीक ठीक थे, वो भी। लाइव काउंटर्स में से ही हमारे पास टेबल पे इन्होंने कुछ चीज़ें सर्व कर दी थी, जैसे कि पालक पत्ता चाट आ गई थी, पालक पत्ता चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, आई रियली लाइक इट। इसका जो पालक पत्ता था वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी एट द सेम टाइम था, एंड दही भी ठंडी ठंडी थी तो अच्छी थी वो। पापड़ी चाट भी हमारे पास टेबल पे ही आ गई थी, वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी, पापड़ी चाट खा के भी मजा आया। एंड मोमोज, यहाँ पर आपको मोमोज भी मिल जाते हैं, और मोमोज बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज दोनों अवेलेबल हैं यहाँ पर, स्टीम्ड। हमने तो वेज ही लिए थे क्योंकि हम नॉन वेज नहीं लेते हैं, बट वेज मोमोज वर सो टेस्टी, हमने तो बहुत बार खाए सीरियसली। पिज्जा भी हमारे पास टेबल पर आ गया था, पिज्जा भी अच्छा था, चीजी था, काफी ज्यादा वेजिटेबल्स वगैरह डली हुई थी, तो पिज्जा वॉज ऑल्सो गुड। लाइव काउंटर्स में ही दही बल्ले और गोलगप्पे भी थे, गोलगप्पे भी हमने थोड़े से ट्राई करे, खुद से वहाँ पर पानी वानी डालना था, खुद ही बना के खाने थे एक्चुअली। उसके अलावा दही बल्ले इनका सर्व करने का तरीका बहुत अच्छा था, और दही बल्ले थे भी बहुत ज्यादा टेस्टी। तो ये सारे जो लाइव काउंटर्स की खोमचा काउंटर्स वाली जो चीजें है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल थी, काफी ज्यादा टेस्टी थी। इसके अलावा लाइव स्टेशन में पिज्जा, पास्ता और मोमोज भी है। पिज्जा तो हमारे पास टेबल पे ही आ गया था, और वो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब जैसे बफेज के पिज्जाज होते हैं वैसे ही था। और यहाँ पर मोमोज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेस्टी थे, बहुत ज्यादा टेस्टी थे मोमोज, मतलब मोमोज वाज दैट वन थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी इस पूरे बफे की। और यहाँ पर पास्ता भी था, रेड सॉस एंड वाइट सॉस, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम पास्ता लेने गए ना, हमारा मूड इतना खराब हुआ, क्योंकि ये लोग ना हमें शूट नहीं करने दे रहे थे, इन्होंने हमें मना करा कि वीडियो मत बनाओ, हमने कहा कि ठीक है हम नहीं बनाते, बट गुस्सा इस बात
पे आया जब इन्होंने कहा कि अगर आप वीडियो बनाओगे तो मैं पास्ता ही नहीं बनाऊंगा। तो जो इनका स्टाफ था दैट वाज वेरी वेरी रूड, और सब हमारे पास ऐसे आस पास आके खड़े हो गए कि आप वीडियो मत बनाओ। तो हमने बंद भी कर दी थी वीडियो, बट इन्होंने जब ऐसे बोला ना कि आप वीडियो बनाओगे तो मैं पास्ता नहीं बनाऊंगा, तो बहुत गुस्सा आ रहा था हमें, क्योंकि दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब वी आर हियर टू ईट, वी आर पेइंग फॉर द फूड दैट वी आर ईटिंग, यू कैन नॉट से नो टू अस। तो मतलब दिस वॉज वेरी वेरी रूड। और पास्ता का टेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो टेस्ट भी मेरे को ठीक ठीक ही लगा, कुछ इतना खास भी नहीं था। आई डोंट नो, या तो इनका कुछ तो ये घपले कर रहे हैं तभी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, या क्या इशू था इनका, आई डिडंट अंडरस्टैंड। पूरे बफे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, बट ये पास्ता वाले काउंटर पे मना कर रहे थे कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। या तो ये कुछ गंदा मिलाते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट दिस इज द थिंग दैट आई डिडंट एट ऑल लाइक। सो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल कि आप भी यहाँ पर जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के ही जाना। पास्ता खाने के बाद ही ये पूरा स्टाफ हमारे लिटरली पीछे पड़ गया था कि मेन कोर्स ले लो, मेन कोर्स ले लो। हमने कहा कि यार अभी हट थोड़ी रहा है, 4-4:30 बजे तक का टाइम है तो हम ले लेंगे आराम से, बट दे वर लाइक कि नहीं, इसमें स्लॉट्स होते हैं, 12 से 2 का टाइम होता है, 2 से 4 का टाइम होता है। बट हमने जोमेटो से बुकिंग करी थी, जोमेटो पर तो हमें कहीं पर ये टाइमिंग के स्लॉट्स नहीं लिखे हुए थे, और जितने भी हमने बफेस कवर करे कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि वो आपको बोलें कि आप जल्दी से मेन कोर्स लेके जाओ। तो ये भी चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और भी वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हुए थे, बट वो लोग थोड़े से लेट आ रहे थे, मतलब 2-2:30 बजे ही आ रहे थे। बट अगर इनके ऐसे स्लॉट्स हैं भी तो इनको जोमेटो पे मेंशन करनी चाहिए ये चीज़, जो कि इन्होंने नहीं करी हुई थी। फिर हम चले गए थे मेन कोर्स की तरफ, तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी थे, वाटरमेलन और शरदा था। वाटरमेलन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, शरदा तो इतना मुझे मीठा नहीं लगा। उसके साथ में डेजर्ट्स काउंटर भी था जो कि हम आपको एंड में दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर था टमेटो सूप एंड चिकन सूप। टमेटो सूप हमने ट्राई किया था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसा लग रहा था लिटरली पानी है, बिल्कुल भी क्रीमी नहीं था, बिल्कुल भी टमेटो फ्लेवर नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था बस गरम पानी पी रहे हैं, हल्का सा टमाटर इन्होंने डाल दिया उसके अंदर, दैट्स इट। क्वालिटी पता नहीं इन्होंने पूरे बफे की ऐसे डिग्रेड क्यों कर दी है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बिरयानी भी फिर हमने यहाँ पर ट्राई करी थी, बिरयानी का भी टेस्ट बिल्कुल ही बेकार था, ऐसा लग रहा था पुलाव है, उसके अंदर भी सब्जियाँ कंजूसी से डाली हुई हैं, और अगर डाली भी हुई हैं तो वो भी प्रॉपरली कुक्ड नहीं है। इसके अलावा मेन कोर्स में और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, नूडल्स विद हॉट गार्लिक सॉस, पनीर लबाबदार, दाल मखनी, वेज में भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, कड़ी एंड यू नो और बड़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह थी। नॉनवेज मेन कोर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हो चिकन सूप एंड ऑल भी था, मटन। अब अगर मेन कोर्स का टेस्ट मैं आपको बताऊं तो पनीर लबाबदार हमने ले लिया था, साथ में बटर नान, एंड पनीर लबाबदार वाज सो सो टेस्टी, ओ माय गॉड। मतलब सीरियसली ऐसा पहला बफे होगा जहाँ पर मैंने एक पूरा नान खाया हो, ऑल्दो इनका नान एक सिर्फ नाम का आया था, वरना नॉर्मली 3 पीसेस आते हैं नान में, बट इनका एक ही पीस आया था नान में, बट दैट नान वाज आल्सो वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी, और साथ में पनीर लबाबदार तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो आराम से खाया गया। तो आई थिंक मेन कोर्स इनका अच्छा है, यहाँ पर जितना मैंने खाया, जितना टेस्ट करा, तो उतना तो समझ में आया कि मेन कोर्स अच्छा है, स्टार्टर्स वर एवरेज, खोमचे काउंटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर। चलो अब आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर डिज़र्ट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो डिज़र्ट्स में नॉर्मल इंडियन डिज़र्ट्स वगैरह ज़्यादा थे यहाँ पर, खीर, गुलाब जामुन एंड ऑल। आइसक्रीम्स थी, नॉर्मल आइसक्रीम्स ही थी, वो भी आइस वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, यही सब आइसक्रीम्स थी। कोई कुल्फीज नहीं थी, कोई ऐसे बहुत सारी पेस्ट्रीज, ब्राउनीज की वैरायटी नहीं थी, बहुत ही कम वैरायटी थी यार यहाँ पर डेजर्ट्स में, वरना नॉर्मली तो बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू कंपनी, थेमिस बारबेक्यू, बारबेक्यू टाइम्स, इन सारे बफेज में तो आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, लाइव स्टेशंस मिलते हैं आइसक्रीम्स के, डेजर्ट्स के, और पता नहीं दुनिया जहान की वैरायटीज होती है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पूरे पैसे वेस्ट चले गए यहाँ पर। क्योंकि फूड क्वालिटी की भी बात करी जाए तो क्वालिटी भी कुछ इतनी खास नहीं थी, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और क्वांटिटी या वैरायटी की बात करी जाए तो वैरायटी भी कोई इतनी खास नहीं थी। जैसे अभी हमने रिसेंटली बारबेक्यू नेशन डाला था, वो सिर्फ 449 रुपीज़ पर पर्सन था, और लोग बोल रहे थे कि क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक यहाँ पर हम लोग अभी आपको बताएंगे कि हमने कितना बिल पे कर
करा, और मतलब आपने यहाँ का बफे तो देख ही लिया है, तो हमें तो वेराइटीज़ बहुत कम लगी एज़ कम्पेयर टू बारबेक्यू नेशन, और बारबेक्यू नेशन की क्वालिटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। तो आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो ज़रूर चेकआउट करना। और हॉस्पिटैलिटी भी अगर यहाँ पर देखी जाए तो हॉस्पिटैलिटी भी बिल्कुल ही बेकार थी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें यहाँ पर। स्टाफ़ का बिहेवियर बहुत रूड था स्टाफ, तो आप भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना इन केस यू आर प्लानिंग टू गो हियर, बट हमारे अकॉर्डिंगली तो आई थिंक दिस बफे इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट, नॉट एट ऑल वर्थ इट। इसके अलावा भी बहुत सारे बफेज हमने कवर करे हुए हैं तो वो आप चेकआउट करना। हॉस्पिटैलिटी वाइज, एम्बियंस वाइज, आप थेमिस बारबेक्यू विजिट कर सकते हो, उसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है। वेराइटीज़ चाहिए, बहुत सारे लाइव स्टेशन चाहिए, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खानी है तो बारबेक्यू टाइम्स आप देख सकते हो, उसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। बाकी अब अगर बिलिंग की बात करी जाए तो हमने जोमेटो से बुकिंग करी थी, इनको कॉल करके तो नहीं करा था बुक, जोमेटो से बुकिंग करी थी, तो उसके अंदर लंच बफे के मंडे टू संडे प्राइजेस लिखे हुए थे वेज के 800 रुपीज़ पर हेड, बट हम जब यहाँ पर आए तो हमारा बिल आया 1700 रुपीज़ फॉर टू पीपल, मतलब 850 रुपीज़ हो गया पर हेड। तो हमने इनसे पूछा कि आप ये क्यों चार्ज कर रहे हो, आपके जोमेटो में तो ये लिखा हुआ है, तो कह रहे कि वो आप फिर जोमेटो वालों से बात करो, बट हमने कहा कि आपका तो मतलब पेज तो ऑब्वियसली आपका है ना जोमेटो पे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देना चाहिए। तो वो कहते कि नहीं, वो मंडे टू फ्राइडे हमारा 800 होता है, सैटरडे संडे 850 होता है वेज का। तो हमने काफ़ी और आर्ग्यू किया कि वहाँ पर तो मंडे टू संडे लिखा हुआ है, आप चेक करो, बट दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा 850 ही है तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। और ऐसे गैंग अप होके ना सारा इनका स्टाफ खड़ा हो गया कि नहीं आप 50 रुपये के लिए बोल रहे हो ये वो, बट द पॉइंट इज़ नॉट दैट, द पॉइंट इज़ कि आपने जो मेंशन करा हुआ है प्राइस वो आपको लेना चाहिए, बट आई डोंट नो इनके क्या घपले थे क्या नहीं थे। तो फिर हमने फाइनली पूरा 1700 रुपीज़ दो लोगों का बिल पे किया, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा हमें। ना फूड की क्वालिटी अच्छी थी, ना हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी, ना वेराइटी बहुत ज़्यादा थी, कुछ ही नहीं था ऑन अ सीरियस नोट। तो मतलब हमारी तरफ से तो दिस बफे इज़ अ थम्स डाउन एंड इट्स नॉट वर्थ इट। आप हमें कॉमेंट करके बताओ कि आप पहले कभी सैंडोज बारबेक्यू जनकपुरी आए हो या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। बट हमारा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और अब हम ज़िंदगी में कभी विजिट नहीं करने वाले इस वाले बारबेक्यू में, सैंडोज बारबेक्यू में तो ज़िंदगी में कभी विजिट नहीं करेंगे। बाकी हम ट्राई करते रहते हैं कि आपके लिए अलग अलग बफे रेस्टोरेंट्स, अलग अलग कैफेज लेकर आते रहें, ताकि आपको इस तरह का बिहेवियर, इस तरह के ये यू नो हॉस्पिटैलिटी से ना गुजरना पड़े। हम आपको सारी चीज़ें पहले ही एडवांस में बता दें और आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर पाए कि आपको कहाँ जाना है। बाकी आपकी और कोई रिकमेंडेशंस हो, आपको लगता है कि हमें ये वाला बफे इन दिल्ली कवर करना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं, वील डेफिनेटली गो देयर एंड कवर इट फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग बैक होम, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।